वेलकम टू ऑल सी बी एस ई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है आपका टर्म 2 का। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे इंग्लिश की आपके दो बुक रहती है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स की, ठीक है। और ये समझ ले कि ये जो इंग्लिश का सिलेबस है ये कोर का है। इंग्लिश भी दो तरह की होती है, एक इंग्लिश कोर रहता है और एक इलेक्टिव रहता है। तो जिनके पास कोर है, कोर में ये होता है डिफरेंस दोनों में, ये जानिए कि कोर होता है वो थोड़ा इजी होता है, इलेक्टिव थोड़ा सा कठिन होता है। तो जो इंग्लिश है कोर उसका हम सिलेबस देखेंगे। और ये सिलेबस आपका वो सिलेबस होने वाला है जो आपके फाइनल एग्जाम यानी क्लास 11 का जो फाइनल एग्जाम होगा, जिसे आप टर्म 2 कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये टर्म 2 ना होकर फाइनल एग्जाम के लिए ही आपका सिलेबस होने वाला है, और टर्म 2 जिसे आप कहते हैं वही है, ठीक है। आइए सिलेबस को देखते हैं, दोनों बुक को हम जानेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक को हम जानेंगे एक एक करके कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें नहीं पूछे जाएंगे। चलिए देखते आगे। और उससे पहले किसी भी बच्चे ने अगर टेलीग्राम पे हमारा क्लास 11 का ग्रुप है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। वो लिंक से आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और उस ग्रुप में आप ऐड हो पाएंगे। कोई डाउट रह जाता है आपका वीडियो एंड होने के बाद या कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं मैं जरूर उनका रिप्लाई करता हूं। तो कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे यहां पे पूछ सकते हैं। आइए आगे की तरफ आते हैं, बुक की तरफ। तो दो बुक है आपकी, हॉर्नबिल और दूसरी है स्नैपशॉट्स, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं, सबसे पहले हॉर्नबिल वाली जो ये बुक है इस बुक को हम डिस्कस करते हैं। आते हैं यहाँ की तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटेंट रहता है जो इस बुक का। यहाँ पे चैप्टर्स है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऐसे चैप्टर्स है, दूसरा है ये पोएम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएम्स है, फिर डिस्कवरी टूट द सागा कंटिन्यूस ये वाला चैप्टर हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, आगे भी है आपका सिक्स चैप्टर, सेवंथ और एट्थ, ये टोटल आपके चैप्टर्स है ये इस बुक के अंदर। और ये सिलेबस जो है आपका, मैं एक चीज बता के चलूं कि आपका जब फाइनल एग्जाम होगा तो आपने मिड टर्म का एग्जाम दिया, तो मिड टर्म में जो आपके चैप्टर आ गए जैसे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये चैप्टर आ गया और द फोटोग्राफ ये पोएम्स आ गए, तो आप ये सोच रहे होंगे कि कई बच्चे हैं ऐसे जो सोच रहे होंगे कि आपका टर्म 2 या आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें ये चैप्टर्स नहीं आएंगे। तो एक चीज मैं आपको हर एक सिलेबस में बता रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस जब मैं बता रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि मिड टर्म का जो आपका पेपर हुआ है उसके नंबर नहीं लगने वाले। वो आप मान के चलिए आपका एक टेस्ट था, ठीक है, उसके नंबर नहीं लगेंगे। आपका जो एग्जाम होगा क्लास 11 का वो भी फाइनल होगा और फाइनल में पूरी बुक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, उन चैप्टर्स को छोड़ दिए जाएंगे जो आपके चैप्टर्स नहीं है यानी कटे हुए, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर आपके कटे हुए हैं ये समझते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक आप यहाँ देख रहे होंगे, और द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये आपका आ रहा है चैप्टर, फोटोग्राफ, ठीक है, अब फोटोग्राफ ये भी पोएम आ रही है, ये आपका दूसरा चैप्टर भी आ रहा है, तीसरा चैप्टर है ये भी आपका आ रहा है, ये भी आपका पोएम आ रहा है, ठीक है। और मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से नहीं आ रहे यहाँ पे, ठीक है। दो चैप्टर है इसमें जो नहीं आ रहे हैं, ये है आपके चैप्टर्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे इस वाली बुक के जो हॉर्नबिल का जो है इससे नहीं आएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 आप देख रहे, ठीक है, और चैप्टर नंबर 6, तो द लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नेटली प्रोवरी, ये वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 ये आपका नहीं पूछा जाएगा, और चैप्टर नंबर 6 ये आपका नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4 देख ले यहाँ पे, तो ये है आपका ये वाला चैप्टर, ठीक है, ये वाला नहीं पूछा जाएगा, और चैप्टर नंबर 1 है आपका चैप्टर नंबर 6, तो ये वाला हम चैप्टर देख ले, तो ये रहा आपका द ब्राउनिंग वर्जन, ये वाला जो चैप्टर है ये आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात रही दो चैप्टर आपकी कटे हुए है, लेकिन एक चीज आपको समझनी कि इन दोनों चैप्टर्स में आप देखेंगे यहाँ पे आपको पोएम्स भी दिखेगी, ठीक है, तो द वॉइस ऑफ द रेन ये आपका आएगा, ठीक है, ये चैप्टर नहीं आएगा लेकिन इनके जो पोएम है ये पूछे जाएंगे। ऐसे ही इसमें हम आए तो चाइल्डहुड है ये आपका आएगा, और ये जो चैप्टर से ये कटे हुए लेकिन इनके जो पोएम है वो पूछे जाएंगे। आगे चल के मैं आपको पेपर का एक पैटर्न भी दिखाऊंगा, ठीक है, बाकी जो रियल सिलेबस दिया गया उसको भी एक बार मैं आपके सामने लाऊंगा, ठीक है, तो उससे आप और जो है यकीन कर पाएंगे कि ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ तो वो किसी मतलब दिया गया है, ठीक है, मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ, ये सिलेबस आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। ये आपकी पहली बुक हो जाती है, इसके अंदर आपने दो चैप्टर देखे जो कटे हुए थे, ठीक है,
उनके पोएम्स है वो आ रहे, लेकिन दो चैप्टर जो कटे हुए थे उसमें 6 चैप्टर और चैप्टर नंबर 4 वो कटे हुए हैं, बाकी उनके पोएम्स आ रहे। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये जो चैप्टर से ड्रॉप है ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। आगे हम आते हैं सेकेंड बुक पे, तो ये आपकी सेकेंड बुक है स्नैपशॉट्स की ठीक है, और यहाँ पे इसके कंटेंट्स दिए हुए हैं और ये चैप्टर्स दिए हुए यहाँ पे 1 से लेके जो है टोटल 8 तक, और इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आपको चैप्टर नंबर जो 4 है ये आपको नहीं पढ़ना है ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद आएंगे हम चैप्टर नंबर जो है 6, ये वाला जो है आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे हम देखें आगे, यहाँ पे 3 चैप्टर बता रखे, चैप्टर नंबर 3 है, 3, 4 और 6, ये 3 चैप्टर है जो आपके फाइनल, मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ क्लास 11 की, उसमें नहीं पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर जो 3 है ये भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो कटे हुए हैं यहाँ पे मैं लिख दूँ, चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर आपका 4 हो गया और चैप्टर नंबर 6 हो गया, 3 ऐसे चैप्टर जो आपको नहीं पढ़ने हैं, इससे क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे ठीक है। तो ये आपका हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपका स्नैपशॉट्स का सिलेबस था। अब हम आगे चलते हैं, इसमें जानते हैं कि ये तो हमने बुक की बात कर ली, लेकिन इंग्लिश में बुक से ही पूरा पेपर नहीं आता है, बल्कि बुक से आप कह सकते हैं कि 30-40% क्वेश्चंस या नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी जो आपका रहता है वो राइटिंग का रहता है, रीडिंग का रहता है, तो वो चीजें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रीडिंग पे आते हैं हम, यहाँ पे आप रीडिंग देख रहे होंगे, जैसा मैंने आपको मिड टर्म के बारे में बताया था उसमें सिलेबस, कि उसमें इसमें भी वही है, अनसीन पैसेज आता है आपका रीडिंग स्किल्स वाले में, एक आपका और अनसीन पैसेज आता है जो केस बेस्ड होता है ठीक है, यानी कोई डाटा दे रखा होगा उस पर आधारित होगा, और इसके अंदर ही रहता है आपका नोट मेकिंग ठीक है। तो ये आपका रहता है रीडिंग स्किल्स में आपके पैसे जाएंगे। राइटिंग स्किल्स की बात करें हम, तो राइटिंग स्किल्स में आपकी पहले 2 चीजें थी, एक तो आपका एडवर्टीजमेंट था और स्पीच राइटिंग था ठीक है, लेकिन हम फाइनल जो सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं, तो फाइनल्स में जो आपका है स्पीच राइटिंग हो गया, डिबेट हो गया, पोस्टर डिजाइन हो गया और एडवर्टीजमेंट, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। ये जो है ये 3 नंबर के है, ये भी 3 नंबर के होंगे, ये 5 नंबर का आएगा आपका, ये भी 5 नंबर का आएगा। तो ये आपका रहता है राइटिंग स्किल्स का सिलेबस, और लास्ट में आपका रहता है कुछ इंटरनल असेसमेंट होते हैं, ग्रामर होता है, तो ग्रामर से भी पूछे जाएंगे, जैसे गैप फिलिंग वाले जो क्वेश्चंस होते और रीऑर्डरिंग वाले ठीक है। तो ग्रामर में 2 तरह के पूछे जाएंगे, और इंटरनल असेसमेंट के लिए बताया हुआ है, ये लिसनिंग का हो जाएगा आपका, स्पीकिंग का, प्रोजेक्ट वर्क, ये सारे ऐड होके आपका जो रहता है इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो तैयार किया जाता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया कि आपके हॉर्नबिल में 2 चैप्टर कटे हुए हैं, स्नैपशॉट्स की बात करें तो इसमें 3 चैप्टर कटे हुए जो आपको नहीं पढ़ने हैं, रीडिंग का मैंने आपको बताया, राइटिंग का बताया, और आगे हमने डिस्कस किया है इंटरनल असेसमेंट के ऊपर और ग्रामर के ऊपर। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है, और ये बात कर रहे हैं हम आपका जो 2022 और 23 में एग्जाम होने वाला है ठीक है, फाइनल एग्जाम के लिए मैंने आपको सिलेबस बताया ठीक है। तो ये बच्चे कंफ्यूज ना हो, और ये जो एग्जाम होगा ये आपका पूरा पक्का एग्जाम होने वाला है। अब हम देख लेते हैं एक बार, जो मैं आपको पेपर का पैटर्न है वो भी दिखा दूं कि किस तरह से पेपर आपका बनेगा। इंग्लिश में काफी ज्यादा बच्चे ये मतलब सोचते हैं या इच्छा रखते हैं कि उनको पेपर का पैटर्न भी मिल जाए एक बार सिलेबस के साथ, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहता है आपका इंग्लिश का जो है पैटर्न, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंग्लिश कोड जो आपका दे रखा है इंग्लिश का, और क्लास 11 2022-23 ये आपका रहता है पैटर्न, ये आपका जो है पेपर का पैटर्न है ठीक है, एक तरह से आप इसे पेपर कह सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है आपका, एक रहेगा अनसीन पैसेज ठीक है, दूसरा भी अनसीन पैसेज रहेगा जो केस बेस्ड पे होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 18 नंबर का रहता है टोटल, यानी 10 नंबर का आपका ये रहेगा पहला, और ये आपका रहेगा जो है 8 नंबर का, ऐसे जो है 18 नंबर का ये बनता है। आगे हम देखें तो आगे आपका रहता है नोट मेकिंग, यहाँ पे हम देखेंगे आगे की तरफ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नोट मेकिंग, एक सेकेंड, यहाँ आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको जो है नोट मेकिंग 3rd पे दिख रहा होगा, तो ये नोट मेकिंग रहेगा आपका ठीक है, जो कि नोट मेकिंग इसी में से आता है, मतलब इसी में से क्वेश्चंस होते हैं जो नोट मेकिंग के लिए बोला जाता है तैयार करने के लिए, यहाँ पे बता भी रखा है पैटर्न क्या रहेगा नोट मेकिंग का। आगे हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ, सेक्शन बी में क्या पैटर्न है, सेक्शन बी का जो पैटर्न रहेगा उसमें बता रखा है ग्रामर रहेगा ठीक है, और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स रहेगा, यानी राइटिंग वाला जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका
एडवर्टीजमेंट हो गया, पोस्टर हो गया, तो यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये सिलेबस जो है ये सीबीएसई आप सिलेबस डालेंगे ठीक है तो वहां पे आपको मिल जाएगा, आप अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो। यहाँ पे हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स में, तो यहाँ पे आप देख रहेंगे कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे ये आएगा आपका। आगे हम बात करें तो आगे आपका रहता है पोस्टर का ठीक है, यहाँ पे तीन नंबर का पोस्टर और तीन नंबर का एडवर्टीजमेंट हो गया। फिर स्पीच राइटिंग रहता है, पांच नंबर का स्पीच हो गया, और डिबेट रहता है पांच नंबर का। तो पांच पांच दस, तीन दस तीन तेरह, और तीन आपका ऊपर गया एडवर्टीजमेंट, ये हो गया तो टोटल 16 नंबर का। तो यहाँ पे बताया हुआ 16 नंबर का आपका राइटिंग स्किल्स रहेगा ठीक है। ऐसा ही पूरा पेपर का डिजाइन होगा आपका फाइनल का, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर ले। और जो आपका आपका लेटर है वो नहीं आ रहा है ठीक है, काफी ज्यादा बच्चे सोच रहे होंगे लेटर नहीं आ रहा, तो लेटर नहीं दिया गया जैसा कि आपके सिलेबस में, तो मैं आपको नहीं ही बताऊंगा ठीक है। आगे हम आते हैं सेक्शन सी जो रहता है आपका, ये रहता है आपकी बुक से, और यहाँ पे बताया गया है कि इस जो सेक्शन है इस वाले में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, कॉम्प्रिहेंशन होंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो। यहाँ पे बताया हुआ है जैसे कि यहाँ पे पहला बताया हुआ है कि क्वेश्चन जो होगा ये तीन नंबर का पहला क्वेश्चन होगा, और बता भी रखा है कि हॉर्नबिल से होगा ठीक है। ऐसी दूसरा बताया हुआ है कि हॉर्नबिल से ही जो है कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया गया है, तीन नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर आगे जो है एक पोयम से या जिसे आप प्रोस कहते हैं स्नैपशॉट से जो है पूछा जाएगा, ये चार नंबर का होगा। फिर आगे आएंगे यहाँ पे टू शॉर्ट्स क्वेश्चन, ऐसी सारी चीजें बता रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है। हर एक लाइन पढ़ के तो मैं आपको नहीं समझाने वाला, यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकायदा यहाँ पे बता भी रखा है कि यहाँ पे बुक से कौन से मतलब कौन से बुक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे आपको शो कर दे रहा हूँ, ये है आपका। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें जैसे स्नैपशॉट्स हो गया तो यहाँ पे छह नंबर का है, फिर आपका हॉर्नबिल हो गया तो यहाँ पे छह नंबर का है, फिर स्नैपशॉट्स के ये तीन नंबर के है ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका किस तरह से पेपर बनेगा, तो ये आपका पूरा रहता है पेपर का पैटर्न, आई होप आप समझ गए होंगे। और मैंने कोशिश करी आपको सिलेबस के साथ साथ जो है एक बार पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो भी मैं आपको समझाते चलूं, तो ये आपका रहेगा। और आगे हम देखें तो आगे आपका जो बुक का सिलेबस वो बताया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉर्नबिल से क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे बताए हुए चैप्टर जो मैंने आपको चैप्टर कट बट बताए हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, बाकी ये आपके सारे चैप्टर आ रहे हैं, आप मैच करना चाहे तो मैच कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे जो दो चैप्टर मैंने आपको बताए थे वो आपके नहीं पूछे जाएंगे। यहीं पे आगे स्नैपशॉट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है ये आपका स्नैपशॉट्स है बुक, यहाँ से चैप्टर्स ये आएंगे, और जो मैंने आपको तीन चैप्टर बताए इसमें चैप्टर नंबर थ्री हो गया, चैप्टर नंबर आपका फोर और सिक्स था, तो वो आपके नहीं पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया है। और इंटरनल असेसमेंट लास्ट में रहता है, तो यहाँ पे बताया गया लिसनिंग का ठीक है पांच नंबर हो गया, स्पीकिंग का पांच नंबर, और प्रोजेक्ट वर्क का दस नंबर, टोटल बीस नंबर का ये हो जाता है, और अस्सी नंबर का आपका पेपर होता है, तो टोटल सौ नंबर का जो है आपका पेपर तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका जो है पूरा पेपर तैयार होता है इंग्लिश का, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये आपका रहेगा पैटर्न पेपर का, साथ ही मैंने आपको सिलेबस भी समझा दिया है इंग्लिश में, मैंने इसीलिए आपको जो है पैटर्न भी समझाया ताकि काफी ज्यादा बच्चे रहते हैं इंग्लिश में, आपको सिलेबस तो रहता ही आपका जो है 30 से 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी जो आपका रहता है ज्यादा हिस्सा नंबर का वो रहता है आपका राइटिंग स्किल्स का हो गया ठीक है, और आपका रीडिंग का हो गया। तो इस वजह से मुझे जो है सिलेबस के साथ साथ पैटर्न बताना जरूरी मैंने समझा और मैंने आपको बता दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे आपको जो है सब्सक्राइब का बटन दिखेगा ब्लैक कलर में, उस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही नीचे आपको सब्सक्राइब जैसे ही कर लेंगे आप साइड में जो है बेल का आइकन बन के आएगा, इस पर क्लिक कर देना, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो वो आप तक आ पाएगी सबसे पहले और आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।